हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हाउ टू कट अदर काइट। तो पहले आप पतंगे देख लीजिए, काफ़ी पतंगे उड़ रही मेरी तरफ। और यहाँ पे ये रखी है मेरी पतंगे, ये देखिए पट्टेदार रखी हैं अद्दी में। और यहाँ पे एक पतंग वो मैंने तैयार करी है और मैं आपको दिखाऊँ नीचे, तो पतंग तो यही वही है। और मंजा जो है ये मंजा उन्हीं का है, मंजा आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग कह रहे थे हमें नाम नहीं पता, तो नाम दोबारा से देख लो भाई, जाके रजा खान का मंजा आइए। और काफ़ी बढ़िया मंजा निकल रहा है यार, और मैं काफ़ी पतंगे काट रहा हूँ इस मंजे से। काफ़ी बढ़िया मंजा दिया है उन्होंने मुझे, और पतंगे में भी मैंने ये रखी हैं पतंगे। तो अभी हम पतंगों को तैयार करते हैं। एक बार मैं ऊपर दिखा दूँ तो ऊपर वो देखिए कुछ पतंगे उड़ रही हैं, तो अभी इन्हीं से पेज लड़ाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। चलिए फिर आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों, आज जो हवा चल रही है वो मीडियम हवा चल रही है, तो पतंग भी हमने मीडियम ही निकाली है। और चाहे तो आप मीडियम हवा में हल्की पतंग का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बांध लेता हूँ कन्ने, और कन्ने बांध के इसमें टेपिंग करके पतंग करते हैं हम चेक, और फिर देखते हैं कि पतंग हमारी सीधी है या नहीं है। और हाँ, आप लोग कह रहे थे कि घूमती पतंग को सीधा कैसे करें, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। आप बस कमेंट कर देना कि इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। और जो दूसरा टॉपिक था वो ये था कि भाई हम अपनी खींच कैसे तेज करें, तो आपको इन दोनों के टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, बस आप मुझे कमेंट में बता देना। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपने कन्ने बांध लेता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लो, उसमें मैं नई वीडियो आज शाम तक डाल दूंगा। और जो वीडियो वो पबजी से रिलेटेड है, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से आओ सब्सक्राइब कर लो, उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ये रही हमारी पतंग, पतंग में हमने टेपिंग कर लिए, कन्ने बांध लिए। चलिए इस पतंग को हम चेक करके देखते हैं कि ये पतंग हमारी सीधी है या फिर ये हमारी पतंग लग रही है। तो चलिए चेक करते हैं। और आजकल पता नहीं शाम को क्या हो रहा है, सुबह तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, लेकिन शाम को जो हवा है वो या तो मीडियम हो जा रही है और कभी कभी पूरी बंद भी हो जा रही है। तो इस समय भी आप देख रहे होंगे हवा की स्पीड एकदम बंद जैसी हो गई है, लेकिन फिर ये थोड़ी देर में खुल भी जा रही है। तो ऐसे सीन है आजकल शाम का। और आप लोग कमेंट करना कि आप लोग की तरफ भी ऐसी हो रहा है, शाम को हवा चल रही है या पूरा एकदम बंद हो जा रही है। तो हम थोड़ी पहले पार कर लेते हैं पतंग, और उसके बाद पतंग खींच के देखते हैं कि हमारी पतंग सीधी है या नहीं। तो यहाँ पे हमने करी पतंग पार। चलिए खींच लेते हैं पतंग को। तो ये हमने खींचा पतंग, पतंग हमारी एकदम सीधी है। और आप एक दो बार खींच के देख लिया करें, ताकि आपको पूरा वो हो जाए कि पतंग हमारी पूरी सीधी है। तो एक बार हम और खींच लेते हैं। तो ये देखिए पतंग हमारी पूरी सीधी है। चलिए अब हम इस पतंग को उतारते हैं और सीधे मंजे से पार करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि सामने तो पतंग उड़ रही है, उनसे तो मुझे पेज लड़ाना है, लेकिन एक दिक्कत ये हो गई है कि मेरे पीछे से यार ये बच्चे पतंग पार करने लगे, और ये बच्चे बांधते नहीं हैं यार, ये हाथ में सद्दी से काट देते हैं। ये देखिए ऊपर ही लड़ा रहे हैं, ये उल्टी सीधी पतंग घुसा देते हैं, सद्दी से भी काट के चले जाते हैं मेरी कई बार। लेकिन अब क्या करें, आप लोग के लिए वीडियो बनानी है, तो हम पतंग पार करते हैं और फिर देखते हैं यार कि बच्चे कहीं सद्दी से हमारी पतंग काट ना दें। तो ये रही भाई पतंग, अब हम इसे करते हैं मंजे से पार और फिर पेज लड़ा के आपको दिखाते हैं। और जो कैमरा है वो मैंने अभी थोड़ा नीचे को सेट करा है, तो आपको अभी ऊपर दिखेगा नहीं कितनी पतंगें उड़ रही हैं, लेकिन अभी जब पेज लड़ेगा तो कैमरे को सही से सेट कर दूंगा। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि भाई पेज थोड़ा क्लियर नहीं दिखता यार, तो यार और लोग को तो क्लियर दिखता है। या तो आप ऐसा करते हैं, या तो आप अपनी फ़ोन की ब्राइटनेस थोड़ी हल्की रखते हैं, उसे थोड़े तेज़ कर लिया करो। और आजकल 480p चल रहा है, तो उस पर ही अपनी वीडियो देखा करो, तो आपको जो पेज है वो क्लियर दिखेगा। क्योंकि ऐसा यार पेज अगर आप आसमान में कैमरे से भी शूट करोगे तो इतना क्लियर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए बस थोड़ा यार एडजस्ट कर लिया करो। तो यहाँ पे हो गई हमारी पतंग पार, अब हम पेज उड़ा के दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आज का पहला पेज आ गया है, और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जो रेड सर्कल में पतंग है वो मेरी पतंग है, और जो ब्लू सर्कल में पतंग दिख रही होगी मेरे अपोनेंट की पतंग है, जिससे मैं पेज लड़ा रहा हूँ।
तो ये मैं गया नीचे से, तो थोड़ी पतंग हम आप लंबी कर लेते हैं। और यहाँ से देखिए बच्चों ने भी शुरू कर दी अपनी पतंग पार करना। तो यहाँ पे मैं खड़ी करके पतंग दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पट मार के पतंग काटूँ ये वाली, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने पतंग खड़ी करके दी, वो पोजीशन में आ गया अपनी खींचने की, लेकिन रोक लिया उसने। तो अभी उसने पतंग उठा ली है, मेरे ख्याल से उसकी पतंग में कोई प्रॉब्लम कर रहा है उधर से जहाँ से वो उड़ा रहा है, इसलिए वो पतंग पटक नहीं रहा है अभी। तो ये फिर उसने पतंग उठा ली, तो अभी वो पेड़ लड़ा नहीं रहा यार, वो पता नहीं क्या कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे दोबारा से पेज आ गया है, मैं आपको बता दूँ, रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग है, मैं नीचे से पेज ले रहा हूँ, और ब्लू सर्कल के अंदर उसकी पतंग है, वो ऊपर से आ रहा है। तो ये गया मैं नीचे से, उसने पतंग मारी बाहर को, मैंने पट मारा, और भाई साहब ये वाला पेज मैं कट जाता अगर उसकी पतंग लंबी होती, क्योंकि वो पूरी बाहर को पतंग मार रहा था, लेकिन उसकी पतंग छोटी पड़ गई इसलिए उसकी पतंग कट गई। तो यहाँ पर यार हमने जैसे जैसे करके पहली पतंग काट दी है, और पेज भी लड़ाते हैं, तो आप लोग वीडियो के एंड तक देखते रहना। तो वो देखिए दोस्तों एक पतंग सामने से उड़ रही है एकदम आगे से, तो अभी हम उससे पेड़ उड़ाने जाते हैं, रेड कलर की पतंग है वो, आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। तो ये मैं गया, तो पहले मैं अपनी पतंग बता दे रहा हूँ, मेरी जो पतंग है रेड सर्कल के अंदर है, मैं ऊपर से हूँ, और जो मेरे अपोनेंट की पतंग है वो ब्लू सर्कल के अंदर है, वो देखिए सामने आपको दिख रही होगी, वो नीचे से है, वो आगे से उड़ा रहा है कोई बंदा, तो उसकी काटते हैं अभी। तो वो भरते हुए आ रहा है, मैं उसके मुँह की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पतंग उठा ली है, क्योंकि वो काफ़ी नीचे भरते हुए आ रहा है, मुझे उसकी डोर नहीं मिल पाएगी। तो फिर मैंने पतंग थोड़ी सी पटकी, उनने बाहर को खींची, और पेज दोस्तों फंस गया, पेज फंस गया, दोनों अभी किसी की पतंग नहीं कटी है, और वो भी नाता रहा, मैं भी नाता रहा हूँ, देखते हैं किसकी जाती। मैंने थपकी मारी और पतंग काट दी। तो दोस्तों इस पेज में क्या हुआ था, मेरी पतंग जो थी वो नीचे लटक गई थी, लेकिन जो मेरे अपोनेंट की पतंग थी वो हवा में थी, लेकिन वो अपनी पतंग को ज़्यादा टाइट नहीं रख पा रहा था, इसलिए मैं थपकी लेने लगा और एक दो थपकियों में उसकी पतंग कट गई। तो यहाँ पे हमने दो पेज काट दिए, तो अभी हम और लड़ाते हैं, तो आप लोग देखते रहना। तो दोस्तों अभी आपको एक पतंग दिख रही होगी रेड कलर की, वो रहा मेरा अपोनेंट, ब्लू सर्कल कर दूंगा, वो नीचे से आ रहा है, और इसने काफ़ी लोगों की पतंगें काट रखी इधर उधर, इनने तहलका मचा दिया था, इनने चार पाँच पतंगें काट दी थी। तो अभी मुझसे पेज लड़ाने आ रहा है, ये चढ़ा नीचे से पूरा भरते हुए आ गया, और नीचे को उनने स्ट्रेट खींची, मैंने उसके हाथ की तरफ दिखाई और पतंग काट दी, और मैं कैमरे से भी टकरा गया दोस्तों, लेकिन मैंने उसकी पतंग काट दी है। अभी जब उसकी पतंग नीचे गिरेगी तो आपको दिखेगी, अभी उसकी पतंग ऊपर है हवा में थोड़ी, तो अब वो हल्के हल्के नीचे आएगी, देखना अभी पतंग आ रही होगी इसकी नीचे, वो देखिए वो आपको सामने दिख रही होगी, मैं सर्कल भी कर दूंगा। तो ये देखिए इसकी हमने पतंग काट दी, इनने काफ़ी पतंगें काट रखी थी इधर, पाँच छः पतंगें इनने काट दी थी, लेकिन अभी हमसे लड़ाने आए तो हमने इसकी पतंग काट दी, और वो जाती है उसकी पतंग। तो दोस्तों इस पतंग से हमने भी पांच पतंगें काट रखी हैं, दो पतंगें और काटी थी, उसकी वीडियो नहीं बन पाई। तो अब ये एक और पेज आ गया है, तो इस पेज में देखना क्या होता है। तो सामने आपको पतंग दिख रही होगी, उससे हम लड़ाते हैं, तो वो देखिए नीचे से आ रहा है, मैं जो हूँ आपको रेड सर्कल में दिखा दूंगा मेरी पतंग ऊपर से, और मेरा जो अपोनेंट है वो नीचे से आ रहा है, उसकी ब्लू सर्कल में आपको दिख रही होगी। और वो देखिए कितना परेशान करते हैं ये लोग, सामने से उन बच्चे ने एक ने पिद्दा पार कर दिया है, और मेरा अपोनेंट पूरा खींच रहा है, तो ये प्रॉब्लम होती रहती है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कैसे पेज लड़ता है, अब मैं थोड़ा इधर करके लड़ा रहा हूँ, क्योंकि वरना यहाँ पे पिद्दा डाल देगा मेरी डोर के ऊपर, और मेरे अपोनेंट ने काफ़ी नीचे अपनी पतंग कर ली है, और देखिए पिद्दा भी डाल दिया उन्होंने, डाल दिया और बच गया। तो दोस्तों ऐसे ही डालते रहते हैं यार, क्या करें, अब पेड़ लड़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो पतंग मैं पहले अपनी थोड़ी ऊपर उठा लेता हूँ, वरना ये पिद्दा डाल देगा फिर से मेरी पतंग के ऊपर। चलिए उसने पिद्दा घुस गया, उसका पिद्दा नीचे फिर आ गया, फिर आ गया, फिर डाला। और दोस्तों जो मेरा अपोनेंट है वो नीचे से है, उनने भी पतंग उठाई नहीं अपनी, खींची ऊपर कर रहा, खींच रहा है वो, मैंने बाहर को मारी और नीचे और कट गया मैं। तो दोस्तों इसमें मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पहले मैं बाहर को मार रहा था, फिर पता नहीं मेरे मन में क्या आई, मैंने उसके हाथ की तरफ ही दिखा दी, और उनने अपनी पतंग बस चुटकी आ दी, मेरी पतंग वहीं चले गई।
तो दोस्तों आज हमने काफ़ी पतंगें काटी, लेकिन अब हमारी पतंग कट गई। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दें, शेयर करें पतंग वाले दोस्तों में। तो मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो, तब तक।